हेलो हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी, जनरल साइंस, जिसमें बात कर रहे हैं जीव विज्ञान। तो हम लोग 15 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और अब बात करते हैं उद्विकास की, 16वां चैप्टर है। ठीक है, 15वां था अनुवांशिकी से संबंधित। तो चलिए 16वां देखते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो याद रखना, लैमार्क। लैमार्क का मूल सिद्धांत क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयनवाद, किसने दिया? डार्विन ने। योग्यतम की उत्तर जीविता का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? डी ब्रिज। समरूप अंग कैसे होते हैं? कार्य में समान। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना व भूरीय विक्रिया में समानता रहती, क्या कहलाते हैं? समजात अंग। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के लिए के किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अंगों के उपयोग व अनुपयोग का सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया अथवा नहीं। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डार्विन द्वारा। क्या जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती थी? नहीं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। ठीक है, ये देखी चुके, ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? बंदर। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है? कर्ण पल्लव पेशियां। प्रयोग और अनुपयोग का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लैमार्क। विकसित जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ स्पष्ट अर्ध विकसित एवं निष्क्रिय अनुपयोगी अंग क्या कहलाते हैं? अवशेषी अंग। क्लोरोफिल युक्त पादपों एवं जंतुओं में के संयोजक के रूप में किसे जाना जाता है? योग्यलीना। ठीक है, बात करते हैं आगे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। डार्विन के सिद्धांत हमें बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। मेंडल के प्रयोगों से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का पता चलता है, परंतु दोनों ही यह बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम आविर्भाव कहाँ से हुआ। एक ब्रिटिश विज्ञानी JVS हाल्डेन ने, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल आकार्मिक अणुओं से हुई थी होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसने कल्पना की कि उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ हो जो जीवन के लिए आवश्यक थे। प्राथमिक जीव एवं अन्य रासायनिक संश्लेषण का विवेचन स्टेनले एल मिलर तथा हेराल्ड सी ओरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर किया जा सकता है। इन प्रयोगों में कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम कर ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई, जैसे आकाश में बिजली। एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन मैथेन से सरल कार्बनिक यौगों में परिवर्तित हो गई। इनमें इमेनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? आगे बात करते हैं। नियत तापी जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले सदस्यों का शरीर आधिकारिक बड़ा होता है। यह नियम है बीजमान का नियम। ठीक है, आगे बात करते हैं। लैमार्क ने जैव विकास के अपने विचारों को किस पुस्तक में प्रकाशित किया? फिलोसफिक जोलॉजी जोलॉजिक
जूलॉजिक। ठीक है, अब बात करते हैं जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। 10 करोड़ 100 मिलियन वर्ष पहले से प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकीय जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत एकत्रित होती जाती है तथा अधिक दाव के कारण चट्टानें बन जाती हैं। कुल 6 मिलियन बाद वर्षों बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर जाते हैं तथा उनकी शरीर भी मिट्टी में दब जाती है या मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है जो पहले वाले अकशेरुकीय जीवाश्म वाली चट्टान के ऊपर बनती है। फिर इसके कुछ और मिलियन वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़ों के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते। इसके काफ़ी समय उपरांत मृदापन अपरदन के कारण कुछ चट्टानें फट जाती हैं तथा घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे पुराने जीवाश्म हमें प्राप्त होते जाते हैं। ठीक है, आणविक आणविक जातिविद। हम जानते हैं कि कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा तो नए डीएनए से बनेगी। दूसरी बात यह हुई कि ये परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होंगे हो जाएंगे। क्या हम उस समय के साथ पीछे जाकर यह जान सकते हैं कि ये परिवर्तन किस समय हुए? आणविक जातिविद वास्तव में यही कहता है करता है। इस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों में के डीएनए में ये विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होंगी। इस प्रकार के अध्ययन विकासकीय संबंधों को खोजने तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिविद दोनों द्वारा स्थापित संबंधों का वर्गीकरण से सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपार्जिक लक्षण। जीन के डीएनए अणु में न्यूक्लिक ओटाइड्स की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आने वाले उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? जीन उत्परिवर्तन। व्यंग जो संरचना में समान परंतु कार्य में भिन्न हों क्या कहलाते हैं? समजात अंग। व्यंग जो समान कार्य हेतु उपयोजित हो जाते हैं एक से दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना व भूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? संवृत्ति अंग। सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी कौन सी है? आर्किओप्टेरिस। सजीव एवं निर्जीव बीच की कड़ी कौन है? विषाणु। रामा पिथेकस का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ? भारत की शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा 16वां चैप्टर था उद्भिद विकास से संबंधित। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है,